हेलो, हाय सभी लोगों को। और सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ फिलहाल, बट थोड़ा सा जुखाम हो गया है मुझे। आज मैं आप लोगों के सवाल के जितने भी सवाल हैं उनके जवाब देने आई हूँ। बहुत टाइम हो गया है एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन हो गए हैं मेरे पास इकट्ठा, इतने सारे सवाल हैं। कोशिश की है कि मैं सारे के सारे सवालों के जवाब दे दूँ। ओके, तो दूसरे फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए मैं आपके यहाँ पे आंसर देने वाली हूँ। डाउनलोड कर लेते हैं, देन फिर आपको सवालों के जवाब देते हैं। एक है, उन्होंने लिखा है, हाय दी, हेलो, क्यूट गर्ल माही। ओके, हाय माही। रोहिणी है, दी बैचलर डिग्री विद डिप्लोमा कोर्स पे भी वीडियो बनाए ना। इसमें देखिए, इसके लिए मुझे आप लोगों को बताना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि आप देखिए, डिप्लोमा जब आप करेंगे ना, आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, तो आप उसके साथ कर सकते हो साइड में डिप्लोमा। ठीक है, क्लासेस पूरा पूरा दिन नहीं चलती हैं, वीक के हिसाब से, वीक में दिन के हिसाब से क्लासेस चलती हैं और वो नाइट में चलती हैं। जैसे मैंने MIP का डिप्लोमा किया था, मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग का, तो मेरी क्लासेस रात में चलती थी, 1 घंटे की क्लास चलती थी। तो उसी तरीके से ना आपकी क्लासेस भी रात में ही होंगी, मतलब शाम के वक्त 6 बजे से 9 बजे तक क्लासेस होती हैं। उसमें आप एक डिप्लोमा करना चाहते हो, एक करिए, दो करना चाहते हैं, दो करिए। ओके, वो आपके ऊपर है, बट डिप्लोमा के चार्जेस जाएंगे, डिप्लोमा की फीस जाती है। वो 5,000 हो सकती है, 3,000 हो सकती है, 10,000 हो सकती है, वो फीस के ऊपर है, जितनी भी फीस हो। और जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो निशुल्क है, बिल्कुल फीस नहीं जाती है, वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं। जैसे आप वहाँ पे जो सीख सकते हैं, जैसे आप स्पोर्ट्स में जा सकते हो, स्विमिंग सीख सकते हो, जिम जा सकते हो, ये सारी चीज़ें फ्री हैं। ओके, इनके लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। आगे बढ़ते हैं। आपकी स्टडी यहीं से हुई है क्या? या मैंने वहीं से पढ़ाई की है। नाइस, थैंक यू। क्या 7th और 9th के लिए हॉस्टल अलाउड है? यस, वहाँ पर विदाउट हॉस्टल गर्ल्स नहीं रह सकती, मतलब वहाँ पर जो वहीं की है ना, वो भी, उन लड़कियों को भी हॉस्टल में रहना होगा। वहाँ पर हॉस्टल के बिना रहना अलाउड नहीं है, एडमिशन ही नहीं मिलेगा आपको अगर आप हॉस्टल नहीं लेंगे तो। दी, क्या आप कह सकते हो कि छोटे बच्चों के लिए वो गर्ल्स के लिए बोरिंग स्कूल है? ओके, वहीं पर रहना है, वहीं पर पढ़ना है। दी, क्या रूम के साथ अटैच बाथरूम मिलेगा? नहीं, आपके अटैच बाथरूम नहीं होंगे। बाथरूम्स कॉमन हैं, ओके, कॉमन हैं, बट बहुत सारे होते हैं एक हॉस्टल में। आप कह सकते हो हॉस्टल है, हॉस्टल के 4 कॉर्नर होते हैं और चारों कॉर्नर्स पे 6-6 बाथरूम होते हैं। ओके, तो आप काउंट कर सकते हो, एंड ऊपर भी नीचे भी बराबर होते हैं। प्लस कभी कभी जो हॉस्टल हैं वो सेकंड फ्लोर भी होते हैं, मतलब ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। ओके, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं होते हैं, बिकॉज गर्मी भी होती है वहाँ पे। एंड एक क्वेश्चन और आ रहा है, क्या वहाँ पर AC कूलर है या नहीं है? नो, केवल आपको छत वाला पंखा ही मिलेगा, या फिर आपको वहाँ पे वैसे फ़ैन मिलेंगे जो दीवार पे लग जाते हैं और स्पिन करते हैं। ओके, थोड़ा सा ना, अगर आपको मेरी आवाज़ वैसी लग रही हो तो वो जुखाम की वजह से है, बाकी तो मैं आपके सामने जैसी थी वैसी बैठी हूँ। ओके दी, ये जो रूटीन है, हम ऐसे 3 टाइम्स कर सकते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, या आपका मन है, आपके पास जितना टाइम है आप अपनी केयर कर सकते हो, क्योंकि जब हम किसी चीज़ की केयर ही नहीं करेंगे तो वो अच्छी कहाँ से रहेगी। जैसे मैं हूँ, मैं अपनी स्किन का ख्याल रखती हूँ, तो आपको इसीलिए मेरी स्किन अच्छी लगती है ना, क्योंकि मैं ख्याल रखती हूँ। और कुछ भी हो जाए, अपने चेहरे की या अपनी स्किन का ख्याल रखने के लिए मैं टाइम ज़रूर निकालती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, ठंड हो या कुछ भी हो। आकांक्षा है, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, वेरी हेल्पफुल, लव्ड इट, लव्ड ऑल द प्रोडक्ट्स, प्लीज़ डू ए स्किन केयर वीडियो, हैव हियर्ड अबाउट। ओके,
ठीक है, इट विल बी हेल्पफुल. ओके, मैं ना उन्होंने लिखा है कैन यू प्लीज़ शेयर ए रिव्यू. ओके, मैं आपसे जो जो चीज़ें हैं उनके मैं आपसे रिव्यू शेयर कर दूंगी. ओके दी, मुझे 8th में एडमिशन लेना है, तो मैं स्टडी कहाँ से करूँ? आप कोई हिंट दीजिए. देखिए, मैंने आपको बहुत बार बोला है, मतलब बहुत बार, ठीक है, कि आप लोगों को ना, किसी को 8th में एडमिशन लेना है तो उनको 7th क्लास की पढ़ाई करनी है, मतलब 7th क्लास की NCERT बुक हिंदी इंग्लिश मैथ पढ़नी है आपको, उसी में से आएगा. किसी को 9th में एडमिशन लेना है तो उनको 8th क्लास की NCERT बुक हिंदी इंग्लिश मैथ पढ़नी है. ओके दी, वनस्थली में 9th क्लास की एनुअल फी क्या है, इंक्लूडिंग हॉस्टल रूम मेस वाटर स्कूल ETC, मतलब टोटल फीस कितनी है 9th क्लास की? ओके, देखिए हॉस्टल की फीस ना सभी लोगों की कॉमन है. ओके, ए ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में और सी ग्रुप में इस तरीके से जाते हैं बच्चे अलग अलग, जो मैंने आपको बताया है. कहीं कहीं पर 69,000 है एजुकेशन फीस, कभी कभी जो मैथ और जो साइंस वाले बच्चे हैं उनकी एक्स्ट्रा है, मतलब उनकी ज़्यादा है. तो उस तरीके से है ये. मैं आपको अलग से एक वीडियो दूंगी, उसमें मैं फ़ीस बता दूंगी जो स्कूल के बच्चे हैं सारी क्लास वाइज की, उनकी फ़ीस कितनी है, 6th 7th की कितनी है, 8th 9th की कितनी है, 11th 12th की कितनी है. ओके अंशु जी, आप फेस के लिए कौन सा कॉटन यूज़ करती हैं? देखिए, मैं कॉटन, नॉर्मल कॉटन बॉल्स यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो हमारी घरेलू कॉटन होती है, जो पूजा वाले लोग घरों में होती है, मतलब पूजा में हम यूज़ करते हैं, वो कॉटन बहुत रफ़ होती है. उसको कभी भी स्किन पे यूज़ मत करिएगा, क्योंकि ना वो इतनी रफ़ होती है कि आपकी स्किन थोड़ा कट वट सकती है, मतलब बहुत रफ़ होती है. तो कॉटन बॉल्स आती हैं, कॉटन बॉल्स, जितनी अच्छी कॉटन यूज़ करेंगे उतनी अच्छी आपकी स्किन रहेगी. ओके दी, अगर फोटोशूट करने हो तो हॉस्टल के बाहर कोई भी ड्रेस पहन कर चलेगा? देखिए, आपके शॉर्ट्स नहीं होने चाहिए, इट मीन्स कि आप जींस नहीं पहन सकते, तो मतलब नहीं पहन सकते हो. हॉट पैंट या शॉर्ट कह लो, मिडी कह लो, वन पीस कह लो, ये सब अलाउड नहीं है, तो आप इनको पहन के बाहर भी नहीं जा सकते हो. आप हॉस्टल में, आपको कहीं भी फोटो शूट करना हो, ये सारे कपड़े पहनकर छत पे चढ़ना हो, कुछ भी कर सकते हैं आप, बट हॉस्टल से बाहर जाना अलाउड नहीं है छोटे कपड़ों में. ओके बाकी आप अगर आप एथनिक कपड़े वियर कर रहे हैं, लाइक सूट गाउन बहुत होते हैं, ओके, तो वो आप पहन सकते हैं. हेलो हेलो, बहुत सारे हेलो के मैसेजेस हैं. हेयर फॉल के लिए कुछ बताएं जी. मेहंदी लगाइए, मेहंदी लगाइए, और मेहंदी बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, मैं बताऊंगी आपको. आप मेरे हेयर्स देख सकते हैं, मैं कभी कॉम्ब नहीं करती, मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी मेरे बाल कॉम्ब, हमेशा आपके सामने मैं हमेशा विदाउट कॉम्ब होती हूँ. पता नहीं कुछ लोग ट्रस्ट करते होंगे, कुछ लोग नहीं करते होंगे. करिए, ओके, मेहंदी लगाएंगे ना आप, तो आपके बाल अच्छे रहेंगे बहुत. बट मेहंदी आप, मैं, आप समझ रहे हैं ना, मैं हर हफ्ते मेहंदी लगाती हूँ, तो ये कह लीजिए मेरे बालों का ये सीक्रेट है कि बिकॉज मेरे बाल हमेशा से बहुत अच्छे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ मेहंदी. यार, आपने हिना की वीडियो तो अपलोड नहीं की अभी रिसेंटली ना. आज मैं मेहंदी भिगोने वाली हूँ, बिकॉज कल संडे है, तो मैं कल लगाऊंगी. रात में लगाती हूँ, दिन में कभी नहीं लगाती मैं. और तो मैं आपसे कल शेयर कर दूंगी. ओके, वीडियो शूट कर लूंगी तो आपको मैं दिखा दूंगी. और कुछ भी नहीं डालती, पहले तो मैं एग डाल लेती थी, हेयर्स में ही लगाती थी, बट धीरे धीरे एग मैंने बंद कर दिया, सिर्फ और सिर्फ अभी तो मैं मेहंदी ही लगाती हूँ. आकांक्षा जैन, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, वेरी हेल्पफुल वीडियो, थैंक यू दी. मुझे ये हो गया है. वहाँ पर शर्ट पैंट पहनना अलाउड है क्या क्लास में? नो, आप अगर कॉटन की पैंट पहन रहे हैं तो पहन सकती हैं. यदि आपकी हाइट कम है तो आप कॉटन के पैंट शर्ट पहन सकती हैं, और ये आपको पूछना पड़ेगा, खादी के पैंट शर्ट वो भी. ओके, और दूसरा मैं आपको ये बता दूँ, कुछ लोग पूछ रहे हैं कॉलेज खुल गए हैं क्या? नहीं, वो आप जब भी खुलेंगे वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे. और आप कॉटन पहनेंगे, कॉटन के कपड़े पहनेंगे, या फिर आप खादी के कपड़े पहनेंगे, इससे अलग आप एक भी वैसा वाला कपड़ा नहीं पहन सकते हो, मतलब क्लास जाने के लिए.
हैप्पी गिल जी, थैंक यू। आपने बहुत सारे मैसेज किए हैं और कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं जो बहुत दिनों बाद वीडियो देख रहे हैं, तो कुछ को पता नहीं है कि मेरी दादी अब नहीं है, और जो मेरी दादी को बहुत पसंद करते थे ना, तो उनको अभी जब रिसेंटली पता चला है कि मेरी अम्मा नहीं हैं, तो उनको बहुत दुख हुआ है। तो उनको एक दो बार तो उनको ट्रस्ट नहीं हुआ, बट फिर मैंने उनको वीडियोज़ के लिंक भेजे हैं, तब उनको ट्रस्ट हुआ है कि हाँ सच में मेरी दादी अब नहीं है, एंड मुझे वो हर दिन याद आती हैं। दी प्लीज़ शेयर 9th क्लास गर्ल्स हॉस्टल रूम टूर, ओनली रूम प्लीज़। ओके, देखिए इसमें ना मैंने आपको रूम की फ़ोटोज़ दिखाई हैं, सेम ऐसे ही रूम है, अब मैं उसमें चार चांद तो लगा नहीं सकती। आप प्लीज़ मेरे ना हॉस्टल के रूम टूर मैंने कई वीडियो डाली हैं, आप देख लीजिए, आप एक उनको आइडिया मिल जाएगा। अंशु जी, मेक सम अराउंड योर नेचुरल वीलॉग प्लीज़ इफ़ यू कैन डू। बहुत जल्दी करूँगी, ओके। एंड मैं चाहती हूँ कि आफ्टर मैरिज, जब मतलब शादी हो तभी से मैं वीलॉग शुरू करूँ, यहाँ पे अम्मा तो है नहीं मेरी, ओके। तो होप सो। हेलो हैप्पी जी, स्वागत है आपका इतने दिनों बाद, आपके मैसेजेस दिख रहे हैं मुझे। ओके, तो बाकी के जो कमेंट्स हैं ना, वो जो क्वेश्चन है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देती हूँ, ज़्यादा हो जाते हैं ना तो लोग देख नहीं पाते हैं। ओके,